आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें हालिया दिनों में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो ओल्ड एज डिसेबिलिटी विडो पेंशन की वेरिफिकेशन हो रही है, उस पेंशन के लिए काफ़ी सारे लवाजमात जो हैं महकमा सोशल वेलफेयर ने तलब की हैं पेंशनर हजरात से। देखिए, 1000 रुपये बहाना पेंशनरों को पेंशन मिल रही है, ओल्ड एज हों वो, ज़यीफ़ हों वो, या उसके बाद वो माजूर हों या वो बेवा ख़वातीन हों, तो इन लोगों को 1000 रुपये पेंशन के लिए जो वेरिफिकेशन दी है उसमें इतने लवाजमात रखे हैं कि 10,000 से लेकर 15,000 तक लोगों को इस वक्त वेरिफिकेशन पर खर्चा हो रहा है। अब देखिए, 95% से ज़्यादा ओल्ड एज या डिसेबल लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाई है, जाके जबकि वहाँ पर महकमा ने इसको लाजमी करार दिया है। उसके साथ ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एफिडेविट वहाँ लाजमी करार दिया है, जबकि जज साहिबान को एफिडेविट के सारे मुकदमा सुनने होते हैं, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में अदालतों के बाहर लोगों की कतारें लगी रहती हैं जो इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि हमारा एफिडेविट बनेगा, तो जज साहिबान की मसरूफियात की वजह से अगर एक दिन नहीं बनता तो दूसरे दिन उनको फिर आना पड़ता है, ये सिलसिला उनका कई दिनों तक चलता है। उसके साथ साथ ये सब चीज़ें लवाजमात जो हैं ये ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन एक बार डोमिसाइल के लिए करवाएंगे, दूसरी बार अपनी डिसेबिलिटी या एज सर्टिफिकेट के लिए करेंगे, फिर एज सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो जाती है तो उसकी अप्रूवल के लिए जो CMO BMO ऑफिस में या दीगर मुतलका दफ्तरों में जो इनको धक्के खाने पड़ते हैं बुजुर्ग हजरात को, वो धक्के नहायत ही काबिल अफसोस हैं, वो भी एक परेशानी का बायस बने हुए हैं। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश की है कि बराए अज़राए करम ये जो महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसको हदायत जारी करें ताकि इस ऑर्डर को जो उन्होंने वेरिफिकेशन का किया इसको मॉडिफाई किया जाए, और इससे अगर ज़्यादा ना हो सके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एफिडेविट है इससे रिमूव करके इसकी जगह राशन कार्ड को लाजमी करार दिया जाए, और साथ ही नायब तहसीलदार का